खबर रीवा जिले से है, जहां जिले में जुए और सट्टे का कारोबार फिर फलने फूलने लगा है। यह बात अलग है कि खुलेआम सटूरियां जिस तरह से पर्ची काटते देखे जाते थे, उनमें कमी आई है। दीपावली का त्योहार हो और जुए की फड़ ना सजे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हालांकि रीवा शहर की बात करें तो बिछिया, घोघर, तरहटी, निपनिया, चौराहटा, सामान थाना क्षेत्र के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ बड़ी महफिल सजती है। स्थानीय पुलिस आला अधिकारियों को दिखाने के लिए बीच बीच में छुटपुट कार्यवाही कर खाना पूर्ति करती है। दीपावली के त्योहार पर बिछिया का तकिया मोहल्ला, निपनिया आयुर्वेद कॉलेज के पीछे तरहटी, बांस घाट, पांडेन तोप खाना, धोबिया टंकी, महसाब, खैरी बस्ती, समान थाना क्षेत्र के कुरियान मोहल्ला ऐसे स्थान है जहाँ बताया जाता है की पुराने जुआरियों ने जुए की फड़ की व्यवस्था की थी। बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए जिले भर में पुलिस ने आधा दर्जन जुए के अड्डे में दबिश देकर जुआरियों के खिलाफ कार्यवाही की, लेकिन जिन जुआरियों के खिलाफ कार्यवाही की गई वह नाम मात्र के पैसों की फड़ लगाने वाले थे। बड़े जुआरियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए या पहुंचना ही नहीं चाहा। दीपावली में शहर से लेकर गाँव तक पुलिस ने कार्यवाही कर जुए सट्टे पर रोक लगाने का दिखावा जरूर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जवा पुलिस ने बेलगवा में दबिश देकर आधा दर्जन से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से महज 52 तास के पत्ते और 1000 रुपए ही बरामद करना दिखाया। जबकि बताया जाता है कि लंबी जुए की फड़ चल रही थी जिसमें नामी जुआरी शामिल थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने घोघर मोहल्ले में दबिश देकर आधा दर्जन से अधिक जुआरियों को पकड़ा, जिनमें से 52 तास के पत्तों के अलावा महज 1000 रुपए ही बरामद कर पाई। सूत्रों की माने तो घोघर मोहल्ले में लंबी जुए की फड़ सजी हुई थी, जहां पर विशाल जाटव, अर्जुन केवट, मनीष जाटव, महेश केवट, गोविंद जाटव, विवेक केवट, मनीष जाटव के साथ कई जुआरी हार जीत की बाजी लगा रहे थे। इसी तरह से बिछिया पुलिस ने भी बिछिया में बड़े जुए की फड़ को छोड़कर सिलपरा में जीत हार की बाजी लगाते आधा दर्जन से अधिक लोगों पर कार्यवाही की, लेकिन यहां बिछिया पुलिस भी 1000 रुपए के आसपास ही बरामदी दिखाई। यह भी बताया जाता है कि यहां भी लंबे जीत हार की बाजी लगाई जा रही थी। शहर के समान थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहे हैं। बताया जाता है कि संजय नगर कुरियान मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दिया था, जहाँ एक दर्जन से अधिक जुआरी जीत हार की बाजी लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को उठाया, जिनके कब्जे से बड़ी रकम बरामद हुई। लेकिन चर्चा यह भी है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ ही रकम दिखा सकती है। समान थाना क्षेत्र में राजकुमार कोरी और मन्नू कोरी के द्वारा लंबे समय से हार जीत की बाजी लगाकर लाखों रुपए का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।